Recording in progress. आज अपन को डिस्कस करना है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। बुक के हिसाब से देखें तो अपन लोगों को फंक्शनल स्ट्रक्चर दिया है, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर दिया है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, हाइब्रिड दिया हुआ है एंड सबसे इंपॉर्टेंट SBU दिया है। इसके अलावा भी होते हैं बहुत सारे बट अपन को पांच स्ट्रक्चर्स दिए हैं। तो पहले अपन लोग डिस्कस करते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल में कुछ ऐसा है नहीं, जस्ट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास 12th आए थे, तो क्लास 12th में जैसा फंक्शनल स्ट्रक्चर था ना एज इट इज आपको वैसा ही मिलेगा। चलो पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्या होता है सर फंक्शनल स्ट्रक्चर में होता है एक सीई और सीईओ के तुरंत बाद एक होता है हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट, एक होता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट, एक होता है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट, एक होता है हमारा प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट, डिपेंड करता है वो तो कंपनी कैसी है, एक हो जाएगा सेल्स और मार्केटिंग का डिपार्टमेंट। तो सर अगर हम लोग फंक्शनल डिपार्टमेंट की बात करें तो फंक्शनल डिपार्टमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर एक्टिविटीज। ये लोग क्या करते हैं ना सर, जो एक जैसी एक्टिविटीज होती है ना उन सभी एक्टिविटी का एक ग्रुप बना देते हैं और कहते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी काम है वो सारे काम कहाँ पे होंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। सेल्स और मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी वर्क है वो कहाँ पे होंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। मतलब ये कहा जा सकता है कि अगर आपने कोई एक सिंगल प्रोडक्ट यू बना रहे हो, सिर्फ सिंगल एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, इस प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल लाने से आपको कस्टमर तक गुड्स को डिलीवर करना पड़ेगा। तो इन चीजों के लिए आपको एक एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। अब सर माल खरीद के लाओगे मार्केट से तो उसके लिए परचेज डिपार्टमेंट बनेगा, मार्केट की रिसर्च कौन करेगा तो उनको भी परचेज डिपार्टमेंट में डाल दो, फिर आएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो सर रॉ मटेरियल को लेकर जाना, लेकर आना फैक्ट्री में, मशीन में प्रोडक्ट रॉ मटेरियल को डालना, उसको प्रॉपर स्टोर करना, रॉ मटेरियल को स्टोर करना, पैकिंग करना, ये सब काम किसका, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। तो ये जो चार पांच एक्टिविटी है अपन ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दी। फिर आया R&D, प्रोडक्ट की R&D करना, मार्केट की R&D करना, इसके लिए एक R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च और डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट अलग बना दिया। फिर आ गया ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, सर फैक्ट्री में कितने लोगों की जरूरत है, परचेज डिपार्टमेंट में किस लोगों की जरूरत है, क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, किस टाइप के लोग चाहिए, इन सभी चीजों का काम, लोगों को रिक्रूटमेंट करने का, लोगों को सैलरी देने का, प्रमोशन करने का, सारा काम कौन करेगा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। एट लास्ट माल गुड्स की प्रॉपर लेबलिंग करना, उसकी प्रॉपर पैकेजिंग करना, डिजाइनिंग करना और एट लास्ट उस गुड्स की मार्केटिंग करना, सभी को एक डिपार्टमेंट में डाल दो, जैसे सेल्स मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट। तो ये सारी एक्टिविटीज अलग ग्रुप में चली जाएंगी। तो सर क्योंकि हमारा प्रोडक्ट सिंगल है, एक ही प्रोडक्ट है या दो प्रोडक्ट है, तो हमने क्या करा, एक जैसी एक्टिविटीज का एक कॉम्बिनेशन बना के उनका एक डिपार्टमेंट बना दिया, एक स्ट्रक्चर बना दिया। सो दिस इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर, जो कि बहुत सिंपल होता है और बहुत इकोनॉमिक होता है। और दूसरी बात इसमें बहुत अच्छी है सर, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं आता।
फाइनेंस डिपार्टमेंट एक ही है जिसका काम क्या क्या है, सिर्फ फाइनेंस का काम देखना। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट सिर्फ एक ही है जिसका काम क्या है, लोगों को जॉब्स देना। मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक ही है। तो जो डिपार्टमेंट बने हैं ना, ये डुप्लीकेट काम नहीं कर रहे हैं। प्रोडक्शन कभी मार्केटिंग का काम नहीं करता, ना ही मार्केटिंग के जैसा काम करता है। परचेज कभी सेल्स के जैसा काम नहीं करता, दोनों का काम अलग होता है। तो सर काम जो भी हो रहा है वो एक ही डिपार्टमेंट कर रहा है, क्योंकि दो डिपार्टमेंट एक जैसे हमने बनाए ही नहीं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या बोलेंगे सर, फंक्शनल डिपार्टमेंट में हम क्या करते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैसी एक्टिविटी, सिमिलर एक जैसी दिखने वाली एक्टिविटी, और सेपरेशन ऑफ दिस सिमिलर एक्टिविटी। सर जो एक्टिविटी एक जैसी दिखती है उनका तो हम कॉम्बिनेशन बना देंगे, ग्रुप बना देंगे, और जो एक्टिविटी डिससिमिलर है अलग दिखती है उसको दूसरे ग्रुप में डाल देंगे। तो उस किस ग्रुप में डालेंगे, उसके जैसी दिखने वाली एक्टिविटीज के साथ, और जो कहीं नहीं दिखेगी उसको मिसलिनियस ग्रुप डिपार्टमेंट बना देंगे एक हम लोग। चलो इसके आगे एडवांटेज क्या है सर, सबसे पहला एडवांटेज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। ऐसा क्यों लिखा सर, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट पूरी कंपनी का एक ही है, कोई भी दूसरा फाइनेंस डिपार्टमेंट आपको नहीं दिखेगा। तो जो काम फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा वो कोई दूसरा डिपार्टमेंट नहीं करेगा, तो बहुत इजीली वर्क होता है और कोई डुप्लीकेशन नहीं है। उसके बाद सर सिंपल स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है। मतलब एक बाहर का पर्सन भी अगर कंपनी में एंटर करेगा तो वो समझ जाएगा फैक्ट्री कहाँ है और कहाँ नहीं है। नहीं तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है सर, चार चार फैक्ट्रियां बनी है, कहाँ जाऊंगा। लेकिन फंक्शनल डिपार्टमेंट में एक फैक्ट्री होगी, एक परचेज डिपार्टमेंट होगा, एक अपना ह्यूमन रिसोर्स होगा, तो यहाँ पे डुप्लीकेशन नहीं है। इस वजह से ये क्या है, सिंपल है और इकोनॉमिक है। क्यों सर इकोनॉमिक क्यों है, क्योंकि खर्चा भी कम होता है इसलिए। ठीक है, सर सूटेबल किसके लिए है, सर आप बोल रहे हो कि एक ही प्रोडक्ट है या दो है। तो सर देखा जाए वो कंपनी जो एक या दो प्रोडक्ट ही बनाती है वो तो स्मॉल कंपनी होती है। नहीं तो अगर हम बात करें बड़ी कंपनी की तो HUL इतने प्रोडक्ट के हम गिन नहीं सकते, आज तक नाम ही नहीं पता। ITC इतने प्रोडक्ट है हमें पता ही नहीं। तो ये बड़ी कंपनीज हैं। ये फंक्शनल जो स्ट्रक्चर अपन ने बनाया ये सूटेबल किसके लिए होता है, स्मॉल और मीडियम ऑर्गेनाइजेशन के लिए। चलो सो हो गया हमारा फंक्शन। Although तुम लोगों को डिविजनल है नहीं, बट देख लो डिविजनल होता क्या है। डिसएडवांटेजेस नहीं, जस्ट बिकॉज अपनी बुक में कोई ऐसा खास डिसएडवांटेज दिया नहीं। डिसएडवांटेज देना चाहो दे सकते हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई काम का नहीं है, है ना। लोग प्रॉपरली फोकस नहीं हो पाएंगे, कम्युनिकेशन थोड़ा वीक रहेगा, ये सब डिसएडवांटेजेस। अब आओ डिविजनल डिपार्टमेंट कैसा, CEO होता है सर एक, उसके बाद UI 9 ये है, जैसे मैं HUL का बनाता हूँ ना, ये हो गया सोप, ये हो गया कॉस्मेटिक, ये हो गया फूड, ये हो गया अपना हेयर ऑयल। तो ये चार प्रोडक्ट है सर। अगर सोप की बात करूंगा तो यहाँ पे आपको क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट भी मिलेगा,
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी मिलेगा, सेल्स भी मिलेगा, ह्यूमन रिसोर्स भी मिलेगा, सेम फाइनेंस भी मिलेगा, प्रोडक्शन भी मिलेगा, सेल्स डिपार्टमेंट भी मिलेगा और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी मिलेगा, सेम फाइनेंस प्रोडक्शन सेल्स और ह्यूमन रिसोर्स, सेम फाइनेंस प्रोडक्शन सेल्स और ह्यूमन रिसोर्स। तो सर डिविजनल डिपार्टमेंट में क्या होता है, ये जो डिपार्टमेंट है बेसिकली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है, जहां पे सीईओ हैज द पावर टू टेक ऑल द डिसीजंस, ओनली डिपार्टमेंट विल फॉलो द डिसीजंस व्हिच इज टेकन बाय सीईओ और डिपार्टमेंट अपना अपना काम करते हैं। सर इस डिपार्टमेंट में, इस डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन में खास बात यह है कि सर एक जैसी एक्टिविटीज जो है, ऑल दी सिमिलर टाइप्स ऑफ एक्टिविटी ऑफ अ इन कंपनी, जितनी भी एक्टिविटीज है वेदर इट इज सिमिलर और डिसिमिलर, मतलब सर सिमिलर एक्टिविटी तो ठीक है, साथ साथ जो एक्टिविटी सिमिलर नहीं भी है उनको भी हम एक ग्रुप में डाल देते हैं, मतलब पूरा सोप का डिपार्टमेंट बना दिया, जहां पे फाइनेंस का काम भी हो रहा है, जहां पे प्रोडक्शन का काम भी हो रहा है, मतलब सर ये एक तरीके से देखा जाए तो बैंक होता है ना, कि बैंक के अंदर जाओगे तो विड्रॉल फैसिलिटी भी है, डिपॉजिट भी है, लोन की बात भी कर सकते हो, जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। तो सर एक रूफ के अंदर ही आपको अगर सारी चीजें मिल रही हैं, सारी तरह की एक्टिविटीज मिल रही हैं, देन इट इज अ डिविजनल डिपार्टमेंट। सर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करता क्यों है, क्योंकि सर वो एक प्रोडक्ट से डील नहीं कर रहा, उसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। तो सर फैक्ट्री में कैसा लगेगा कि साबुन भी बन रहा है, शैम्पू भी बन रहा है, हेयर ऑयल भी बन रहा है, खाने का सामान भी बन रहा है, थोड़ी सी दिक्कत होगी। क्यों, साबुन और शैम्पू तो मैच कर लेंगे, खाने का सामान कैसे बनाओगे इस फैक्ट्री में, कॉस्मेटिक कैसे बनाओगे, स्मेल आएगी, ये होगा वो होगा, बहुत प्रिजर्वेशन। तो इससे बेटर क्या है कि सर साबुन का पूरा डिपार्टमेंट, मतलब पूरा फाइनेंस का भी, इन्वेंट्री स्टॉक सब कुछ अलग कर दो, कॉस्मेटिक का एक अलग पूरा कंपनी बना दो जिसमें सब कुछ हो रहा है, फूड का एक अलग पूरा बना दो और हेयर ऑयल का पूरा स्ट्रक्चर अलग। तो दिस इज डिविजनल डिपार्टमेंट। ये जो सूटेबल होता है, ये मोस्टली सूटेबल होता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, और या कोई ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या है सर, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो फिर सूटेबल है सर। इसके डिसएडवांटेजेस एक पता है क्या है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है। क्यों, चारों जगह फाइनेंस का काम चल रहा है, एक्सपेंस सर कॉस्टली बहुत होगा, खर्चा बहुत होगा। क्यों सर, फंक्शनल में हमने क्या करा था, एक जगह ले ली थी, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए थे, यहाँ तो हमें एक एक कंपनी बनानी पड़ेगी अलग अलग, तो कितना खर्चा लगेगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा है सर। देखो यहाँ भी प्रोडक्शन है, यहाँ भी प्रोडक्शन है, मतलब सर एक घर है और घर में चार किचन है कि नहीं, तो चार जगह खाना बन रहा है, इससे अच्छा एक घर में ही बना, सो दैट इज द डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। ठीक है, सो पूरे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा परसों, या परसों से एक या दो दिन एक्स्ट्रा, है ना। कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें कल मिल जाएगा, क्योंकि आज मैं चेक करा था, तो बिल्कुल एंड पर है ये, वो बचा है एजेंसी, है ना, तो एजेंसी खत्म होगा तो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। उसके बाद ये जो है ना, ऑल दो तुम्हें है नहीं डिविजनल, बट डिविजनल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों मिल जाए, क्लियर, काम का नहीं अदरवाइज इसको भी फॉलो कर ले। चलो नेक्स्ट देखो, जियो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर। सर क्या होता है ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर में, सर यहां पे है ना कहा जाता है, स्ट्रेटजीज आर डेवलप्ड एज पर ज्योग्राफिकल एनवायरमेंट। मतलब सर यहाँ पे अगर मैं ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर की बात करूँ ना, तो मुझे हर एक एरिए के लिए अलग स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़े। जस्ट लाइक मान लो अपन कोचिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो इन केस ऑफ कोचिंग इंडस्ट्री
भाई वी वर टीचिंग राइट नाउ सीएमए, क्लियर। अब सर इंडिया की बात करें तो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। और यहाँ पे अपन आ जाते हैं सर चारों में से कुछ नहीं, सेंट्रल। सो वी आर टीचिंग हियर इन सेंट्रल। सर बताए सेंट्रल के लोग कैसे हैं? दे लाइक हिंदी, हिंदी बहुत पसंद है उन लोगों को, है ना। दे वॉन्ट की टीचर्स विल टीच देम इन हिंदी और लिमिटेड पढ़ाएं जितना एग्जाम है उसके हिसाब से। तो सेंट्रल के लोग जो है ना ये लोग हिंदी बहुत पसंद करते हैं। तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो भी है वो कोशिश करेगा यहाँ पे जितनी से ज्यादा इंसान हिंदी में समझा सके, ये कोशिश करें। फिर बात आती है सर साउथ की। तो साउथ वाले प्रेफर करते हैं या तो आप उनकी नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाओ, जो भी उनकी तमिल है तेलुगु है, अगर आप नहीं पढ़ा सकते तो यू हैव टू टीच इन इंग्लिश। तो सर पता है मेरी कंपनी जो है ना वो अभी भी सीएमए ही पढ़ा रही है, यहाँ भी सीएमए पढ़ा रही थी और यहाँ भी सीएमए पढ़ाएगी, मतलब एक जैसा प्रोडक्ट लेके गई दोनों जगह। लेकिन सर यहाँ पे मुझे स्ट्रक्चर ऐसा बनाना पड़ेगा जहाँ का एनवायरमेंट थोड़ा सा ज्यादा प्रोफेशनल होगा, इंग्लिश ज्यादा बोली जाएगी या उनकी नेटिव लैंग्वेज, क्यों सर वहां के लोग ये चीज प्रेफर करते हैं। अगर मैं आ गया वेस्ट साइड, तो सर वेस्ट वाले लोग जो है थोड़े से लिटरली देखा जाए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन सर अमीर बहुत। तो दे वॉन्ट आप हिंदी में पढ़ाओ इंग्लिश में पढ़ाओ भाड़ में जाओ, बट वी वॉन्ट ऑल दी फैसिलिटीज। आप सीएमए पढ़ाने आए हो ना, पढ़ाओ सीएमए ही पढ़ाओ, लेकिन आपको हमें इंफ्रा देना पड़ेगा, माहौल देना पड़ेगा। महीने में दो पार्टीज होनी चाहिए, ठीक है हम घूमने घुमाने लेके जाओगे ये सब करो, हाँ फीस भी 2 लाख लो 1.5 लाख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सब फैसिलिटीज दो तो ही यहाँ पर आओ। पढ़ाते कैसा कोई मतलब नहीं है, एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो सर यहाँ पर भी मैं पढ़ाने तो सीएमए गया हूँ बट यहाँ पे मेरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कुछ और होगा, मतलब यहाँ पे टीचर्स ऐसे होंगे जो बातें ज्यादा करते हो पढ़ाते कम हो, है ना, उनको अदर चीजें ज्यादा आती हो। अच्छा यहाँ पे बिल्कुल फोकस्ड ओनली प्रिफर्ड इंग्लिश, और यहाँ पे सर जैसे भी होंगे चल जाएंगे सर, वी आर लीडिंग इन सेंट्रल इंडिया, क्लियर। फिर आ जाओ ईस्ट की बात। सर ईस्ट में आपको थोड़ा सा कॉस्ट देखनी पड़ेगी अपनी, क्योंकि देखा जाए तो वहां पे थोड़ी गरीबी है सर, है ना। अगर अपन साउथ ईस्ट की बात करें तो वहां थोड़ी सी गरीबी है सर, आसाम मणिपुर मेघालय, है ना, वेस्ट बंगाल को अलग हटा दो, वेस्ट बंगाल में भी गरीबी बहुत है जस्ट बिकॉज पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई है वहां की, बांग्लादेश से घुसते जा रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो प्रॉब्लम वहां भी है लेकिन वेस्ट बंगाल में अमीर लोग बहुत। तो उसको साइड हटा के अगर बात करें आसाम मणिपुर मेघालय मिजोरम वगैरह वगैरह जो भी है, यहाँ पे सर मुझे थोड़ा सा कॉस्ट कंजर्वेटिव होना पड़ेगा। आप आए हो सीएमए पढ़ाने, यहाँ पर भी आप सीएमए पढ़ाओगे लेकिन सर यहाँ पे आपकी स्ट्रेटेजी होगी कॉस्ट कंजर्वेटिव, तो आप वहां का स्ट्रक्चर जो है लोगों को जो जॉब दोगे जिस तरीके से आप वहां पे कोचिंग क्लासेस खोलोगे उसका तरीका कुछ और होगा, आप वहां पे पढ़ाने पे ज्यादा फोकस करोगे और दिखावे पे कम। फिर लास्ट है सर नॉर्थ, यहाँ तो पढ़ाने ही चले जाओ बहुत बड़ी बात है, कश्मीर वगैरह नहीं तो आपने पढ़ाया और आपने बोला व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ऊपर से बम गिर गया, क्लियर। तो यहाँ की स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अलग होगी। तो देखो ज्योग्राफिकल स्ट्रेटेजी में मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रोडक्ट बनाना बंद कर दोगे कि भाई नॉर्थ वालों के लिए सीएमए नहीं है सिर्फ साउथ वालों के लिए है, मिडिल वालों के लिए ये है, ऐसा नहीं सर। प्रोडक्ट अगर मैंने खोला है तो मैं पूरे देश में चलाऊंगा अगर मुझे चलाना होगा तो, लेकिन हर स्टेट के हिसाब से हर जगह की ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से वहां की स्ट्रेटेजी अलग होगी। भाई जो एडिडास कंपनी है प्यूमा कंपनी है ये हर स्टेट में कपड़े बेचती है लेकिन सर वहां की प्रेफरेंस को फॉलो करती है। अगर हिली एरिया है तो वहां के शूज कैसे होने चाहिए, तो वो रखती तो शूज ही है लेकिन उस तरीके के जूते रखती है कि वहां के लोग प्रेफर कर लें। अपने यहाँ लोग कैजुअल्स नॉर्मल शूज पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। हम ऐसी जगह रह रहे हैं ना जहाँ पानी ज्यादा है, ना ठंड ज्यादा, ना बारिश ज्यादा, ना धूप ज्यादा है, सब कुछ इक्वल इक्वलाइज है। अगर वहां पे है वेस्ट में तो सर वेस्ट में गर्मी ज्यादा पड़ती है तो वहां के शूज वहां के क्लोथ थोड़े से ऐसे होते हैं। साउथ जाओगे तो साउथ में गर्मी बहुत है, मॉइस्चराइजर बहुत है, तो यहाँ पे तो अजीब ही लोग रहते हैं। यहाँ की बात रहने दो, इसकी बात करोगे सर कॉस्ट कंजर्वेटिज्म थोड़ी सी प्राइसिंग कम हो तो चल जाएगा। एनवायरमेंट तो देखना पड़ेगा, वी हैव टू मेक स्ट्रेटेजी एज पर द ज्योग्राफिकल एनवायरमेंट।
इन्वायरमेंट आपसे क्या कहना चाह रहा है उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाओगे। प्रोडक्ट तो सेम ही रखोगे, लेकिन सर क्या इंडिया के लोग मिर्ची ज्यादा खाते हैं तो बनाएंगे तो कुरकुरे, लेकिन कुरकुरे में इंडियन मसाला डाल देंगे। नेपाल के लोग मिर्ची प्रेफर नहीं करते, बनाएंगे तो कुरकुरे लेकिन मिर्ची कम कर देंगे। मतलब इंडियन स्नैक्स भाई, KFC देख रहे हो, राइस बाउल लेकर आ गया जिसमें वो पता नहीं क्या रेड कलर की सॉस डालता है, वो छोड़ो रेड चिली स्मोकिंग विंग्स, वो लाल कलर के विंग्स आ रहे हैं KFC में। क्यों? KFC वालों को पता समझ में आ गया यहाँ के लोग मसाला प्रेफर करते हैं भाई, तो हमारे क्रंची व्रंची से कुछ नहीं होगा, स्मोकी रेड जब का है KFC और आगे निकल गया। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या करा, इंडिया की हालात देखे और उसके हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च करे। तो अगर आप लोकेशन के हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो दैट विल बी अ ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, कि सर इंडिया का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। अच्छा लोग भी कैसे, अमेरिका में KFC खुला है सर, वहां पे लोग शर्ट और जीन्स और कोट पहने, इंडिया में खुला है तो यहाँ पे धोती कुर्ता पहन के सर्विंग हो रही है। तो दैट इज दी स्ट्रक्चर, मैंने इन्वायरमेंट के हिसाब से स्ट्रक्चर बनाया, इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना प्रोडक्ट बनाया। KFC वहां पर भी बर्गर बेचता है, यहाँ भी बेचेगा, लेकिन यहाँ पे बर्गर बनाने का तरीका अलग, वहां तरीका अलग। क्यों सर? यहाँ का माहौल इन्वायरमेंट थोड़ा सा अलग है, वहां का अलग है। इन्वायरमेंट डज नॉट ओनली मीन्स क्लाइमेट, क्लास ऑफ पीपल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोकेशन, क्लाइमेट, ठीक है, इनकम, सब चीजें कंसिडर करते हैं ना इनकम में। सिर्फ क्लाइमेट कंसिडर मत करना, सारी चीजें कंसिडर करके डिसीजन लेना है। क्लियर? चलो अब आ जाओ सर मैट्रिक्स क्या होता है। तुम लोगों ने देखा है कुछ मूवीज होती हैं, जैसे एक मूवी देखी होगी तुमने फैंटम, है ना, और ऐसी मूवी होती है जहां पे लोग उस पे जाते हैं कुछ मिशंस पे, और पता है क्या करते हैं, एक जना IT का जिसको हैकिंग करनी आती है उसको चुनते हैं, एक जना जो होता है जिसको मशीन से बहुत अच्छा काम होता है उसको चुनते हैं, एक बम वगैरह बहुत अच्छे बना लेता है डिफ्यूज कर लेता है उसको चुनते हैं, और एक सबका लीडर होता है। ऐसा स्ट्रक्चर बनता है ना पूरा, यही होता है मैट्रिक्स। देखो क्या होता है मैट्रिक्स में, एक है CEO, देखो ध्यान से देखना, मैट्रिक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। यह है भाई हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, है ना, अच्छे से देखने ना। यह है हमारा सेल्स, यह है हमारा फाइनेंस, यह है हमारा ह्यूमन रिसोर्स, है ना, और ये मान लो R&D डिपार्टमेंट हो गया। ये 5 डिपार्टमेंट है सर, इस डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे होंगे, M1, M2, M3, M4। मार्केटिंग में 4 लोग हैं, सेल्स में 4 लोग सर, फाइनेंस में 4 लोग, HRM में 4 लोग, R&D में 4 लोग। अब सर CEO को एक प्रोजेक्ट मिला है, CEO को एक प्रोजेक्ट मिला, तो CEO कह रहा है कि सर ये प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मुझे एक टीम बनानी पड़ेगी। टीम तो सर इतनी बड़ी है, नहीं नहीं सर, क्या ऑर्गेनाइजेशन में एक ही प्रोजेक्ट चलेगा, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चलते हैं। तो सर मैंने क्या करा, कुछ नहीं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में गया और मैंने कहा चलो M2 आ जाओ, सेल्स डिपार्टमेंट में गया मैंने कहा S4 चलो आ जाओ, फाइनेंस डिपार्टमेंट में गया मैंने कहा S3 आ जाओ, HRM में मैंने कहा F3 तुम भी आ जाओ, और आखिरी में R1 तुम भी आ जाओ। तो सर इन 5 डिपार्टमेंट्स में मैंने क्या क्या करा, कुछ हॉरिजॉन्टली और कुछ वर्टिकली प्रोजेक्ट मैनेजर्स को डिसाइड कर, जो हर एक एक चीज में एक्सपर्ट्स हैं। M1 वाला मार्केटिंग में एक्सपर्ट है, S4 वाला सेल्स का एक्सपर्ट है, फाइनेंस वाला फाइनेंस में एक्सपर्ट है, ह्यूमन रिसोर्स वाले को ह्यूमन रिसोर्स में एक्सपर्टाइजेशन है, R&D वाला उसमें एक्सपर्ट है। सर नीचे वाले जिनको सेलेक्ट नहीं करा वो एक्सपर्ट्स नहीं है, वो भी एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन शायद प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें S4 या F3 की जरूरत पड़े। भाई I am also expert, मुझे भी गन चलानी आती है, उसको भी आती है,
लेकिन सर ये शायद छुपकर चला लेता है और मैं शायद खड़ा होके भी चला लेता हूँ, होता है ना भाई कि अगर पानी के पास जाके लड़ाई है तो इसको भी आता है इसको भी आता है, लेकिन ये इस चीज में ज्यादा माहिर है। तो सर ऐसे ही हमने एक पूरा टीम सेलेक्ट करी और अब हम चारों पांचों जाएंगे और प्रोजेक्ट को अचीव करते हैं। रैंडमली तो पिक नहीं करते नहीं, रैंडमली पिक नहीं करते, एज पर योर स्पेशलाइजेशन, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से स्पेशलाइज क्या है। तो चलो इसका पहली बात सर, इट फॉलो ड्यूल चेन ऑफ कमांड। सर ड्यूअल चेन ऑफ कमांड फॉलो करता है, क्यों? एक से ज्यादा बॉस से आप पता है क्या मिलता है आपको? कमांड मिलता है। अब देखो M1 के अंडर जो लोग काम करेंगे ना वो CEO की बात भी मानेंगे और M1 की बात भी मानेंगे, जो S4 के अंडर काम करेंगे वो S की बात भी मानेंगे और CEO की बात भी मानेंगे। ये लोग मैनेजर्स हैं सब लोग, इनके नीचे लोग काम करेंगे, अब ये लोग काम करवाएंगे। यूनिटी ऑफ कमांड तो रहेगी नहीं यूनिटी ऑफ कमांड क्यों नहीं रहेगी? अगर वो अपने वो प्रेसिडेंस में देखा था ना कि अगर वो कोई बॉस है और अगर सबॉर्डिनेट को कोई गाइड करता है तो मिसमैच हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल कमांड का सीधा सीधा होगा ना भाई कि यू हैव टू टेक कमांड फ्रॉम बोथ दी पर्सन, और किसको ऊपर रखना है और किसको नीचे रखना है। क्लियर? ऑल दो आप रिस्पॉन्सिबल हो मार्केटिंग के लिए, अगर आप मार्केटिंग के नीचे काम कर रहे हो तो ऊपर वाला ऑर्डर मार्केटिंग वाले को देगा, मतलब CEO जो है वो मार्केटिंग वाले को ऑर्डर देगा और मार्केटिंग वाला नीचे ऑर्डर देगा। बस देखा जाए तो यहाँ पे डुअल कमांड फॉलो क्यों हो रहा है? आधी बात मैं अपनी खुद रखूंगा, आधी मैं CEO की बात मानूंगा, तो यहाँ पे दो जगह से कमांड आ सकते हैं। सेकंड, इट हेल्प्स टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इट यूजेस बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फ्लो ऑफ कमांड। यहां पे देखो कमांड हॉरिजॉन्टली भी आएगा और वर्टिकली भी आएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि सर सेल्स वाला जो है वो मार्केटिंग के एम्प्लॉइज को वोट बोल देगा, कभी मार्केटिंग वाला बोल देगा। क्यों? सर ऑल दीज आर प्रोजेक्ट मैनेजर्स, प्रोजेक्ट के मैनेजर है, एक पर्टिकुलर फील्ड के मैनेजर नहीं है, पूरे प्रोजेक्ट के मैनेजर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये बात तो है कि अल्टीमेटली आपका जो यूनिटी ऑफ कमांड है वो कंफ्लिक्ट होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्ट को फॉलो करने में ज्यादा होगी, जस्ट बिकॉज वी हैव फोर एक्सपर्ट्स। चार एक्सपर्ट्स अपन ने आइडेंटिफाई करे हैं, पांच है सॉरी, ये पांचों एक्सपर्ट्स क्या करेंगे, एक दूसरे के एम्प्लॉय को चिल्लाएंगे, जस्ट बिकॉज प्रोडक्ट मैनेजर नहीं है, प्रोजेक्ट के मैनेजर, पूरे प्रोजेक्ट को संभाल। ठीक है, तो यहां पे लिख लो मैनेजर आर दी प्रोजेक्ट मैनेजर। दो सेकंड, चलो अब आओ नेक्स्ट। हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन, सर हाइब्रिड कुछ नहीं होता, हाइब्रिड को बोला जाता है मिक्सचर, है ना, नमकीन मत बोलने लगना, मिक्सचर मिक्स।
क्यों बोला जाता है? इट यूजेस बोथ. हाँ, फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर. सर हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या करता है? डिपार्टमेंट्स तो बनाता है, लेकिन कभी कभी वो कहता है कि सर जो भी डिपार्टमेंट मैं बना रहा हूं उसमें फंक्शनल का काम होगा. सॉरी, जो भी डिपार्टमेंट मैं बना रहा हूं, जस्ट लाइक मैंने एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बनाया, तो सर जो ये हमारा एचआरएम डिपार्टमेंट है, ये एचआरएम डिपार्टमेंट सभी प्रोडक्ट का एचआरएम रहेगा. फिर मैंने बनाया अपना मार्केटिंग का डिपार्टमेंट, तो सर ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है ये हर चीज की मार्केटिंग करेगा. जैसे एचयूएल के बहुत सारे प्रोडक्ट, आईटीसी की बात करें, जैसे आईटीसी सर सिगरेट है, क्लासमेट है, हाँ बिंगो है ना, यूपी है, सनफीस्ट का सारा सामान है उसका, ये पांचों चीजें अपन ने ले ली. तो पता है क्या बोलेगा कि सुनो भाई, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट मैंने बनाया है ना, जो एडवर्टीजमेंट देखेगा, जो सिगरेट का एडवर्टीजमेंट देख रहा है वही क्लासमेट की कॉपी भी संभालेगा, वही बिंगो का भी देखेगा, वही यूपी का भी, और वही सनफीस्ट का भी देखेगा. सर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो सेम नहीं हो सकता, तो हमने मार्केटिंग डिपार्टमेंट को सेम कर दिया. इसके साथ साथ देखो तो शायद डिपार्टमेंट भी सेम कर सकते हो, क्योंकि सर माली तो खरीद के लाना है. जब शादी होती है किसी घर में तो सर पूरा जो ग्रोसरी का, डेयरी का सारा आइटम तो एक इंसान ला सकता है ना, तो सर सिगरेट का आइटम, क्लासमेट का आइटम और बिंगो बनाने का आइटम, जीपी मैगी का आइटम, सबके एक इंसान नहीं ला सकता, ला सकता है. तो इन्होंने क्या करा, परचेज का एक डिपार्टमेंट बनाया जो पांच पांच प्रोडक्ट्स को मैनेज कर रहा है. ऐसे ही आप ह्यूमन रिसोर्स का भी बना सकते हो. सर आपने 10 लोगों को बैठा दिया एक डिपार्टमेंट में और इनसे बोल दिया, सुनो भले ही यूपी मैगी में, मैगी की कंपनी में किसी इंसान को जॉब देनी हो, किसी इंसान को बिंगो बनाने की नौकरी देनी हो, किसी को क्लासमेट की बुक्स बनाने का काम देना हो, सबके लिए इंटरव्यूज, सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पर होगा. तो यहाँ पे क्या हो गया सर, इट इज अ हाइब्रिड. ये लोग कभी फंक्शनल यूज कर रहे हैं और कभी डिविजनल यूज कर रहे हैं, क्योंकि सारे एक जैसी एक्टिविटी को एक ही में डाल दिया फंक्शनल, लेकिन सर डिपार्टमेंट अलग अलग है, तो डिविजनल. सो इट इज अ हाइब्रिड ऑफ बोथ फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर. क्या होता है ना सर, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज गेन करने के लिए और कॉस्ट एफिशिएंट बनने के लिए अपन हाइब्रिड का यूज करते हैं. क्यों भाई, मैं मार्केटिंग के लिए अलग अलग बड़े बड़े, क्योंकि सोचो ना मार्केटिंग के लिए भी जिन लोगों को हायर करते हैं उनकी सैलरी 10 लाख 15 लाख से कम थोड़ी होगी. सो अगर आप किसी इंसान को मार्केटिंग में भी जॉब दे रहे हो तो 15 लाख, सर ऐसी मेरी 10 कंपनियां हैं तो 15 करोड़ या 1.5 करोड़ रुपए तो मैं किसमें खर्च कर रहा हूँ, मार्केटिंग के इंसान को नौकरी देने में. उसके बाद मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा पेपर्स वालों से, मीडिया वालों से, तो बोलूंगा सर 10 दिन आप मेरा एड दिखाओगे यूपी मैगी का तो इतने पैसे. सर इससे अच्छा है अगर 20 लाख रुपए दे रहे हो एक प्रोडक्ट के और आपके पास 10 प्रोडक्ट है, तो 1.5 करोड़ रुपए में सारे 10 का 10 का ऐड दे दो ना, तो 50 लाख रुपए बच जाएंगे. तो ये लोग इस सिचुएशन की वजह से हाइब्रिड यूज करते हैं, मतलब फंक्शनल और डिविजनल दोनों. कॉस्ट एफिशिएंट भी होगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने के लिए होगा और इकोनॉमीज और स्केल पे काम करने के लिए होगा, ठीक है, और रिडक्शन डुप्लीकेशन को रिड्यूस करने के लिए होगा. मेन सबसे मेन एडवांटेज क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ना सबसे मेन. क्लियर? आई एम नॉट टीचिंग SBU राइट नाउ. SBU कल नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें पूरा SBU ही पढ़ाना पड़ेगा. राइट नाउ तुम्हारी बुक में एक टॉपिक दिया, देखो नीचे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन. तो इसमें देखो हमें क्या लिखना है, बहुत इजी है, एक बार लिख लोगे तुम अपने आप समझ जाओ. रेड रेड बहुत हो गया, खून 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 की याद आने लगी. यूज
स्ट्रक्चर एज पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी. पहली बात बोथ स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी शुड बी फिट इफ नॉट देन चेंज स्ट्रक्चर एज पर योर स्ट्रैटेजी. हो गया. अब समझो सर, पता है क्या है ना, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है अपन सब में. हम लोग क्या करते हैं ना, पहले स्ट्रेटेजी बना लेते हैं, फिर स्ट्रेटेजी को ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में फिट करते हैं. फिट नहीं बैठती ना तो स्ट्रेटेजी बदल देते. क्यों सर? स्ट्रक्चर लिमिटेड है जी, ऐसा नहीं करना चाहिए. अगर आपने स्ट्रेटेजी बनाने में इतना करोड़ों खर्च करा है तो आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी होगी ऑफकोर्स. तो इट इज बेटर कि आपको स्ट्रक्चर में चेंज करना चाहिए. आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से स्ट्रेटेजी नहीं होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से स्ट्रक्चर होना चाहिए. और अगर स्ट्रेटेजी के हिसाब से स्ट्रक्चर सही नहीं बैठ रहा है, फिट नहीं बैठ रहा, देन यू हैव टू चेंज योर स्ट्रक्चर, नॉट स्ट्रेटेजी. सर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बदल लो लेकिन स्ट्रेटेजी मत बदलो, क्योंकि स्ट्रेटेजी इंसान बहुत सोच समझ के बनाता है, विजन देखकर बनाता है, मिशन देखकर बनाता है, कंपटीशन क्या है वो देखकर बताता है. अपन ने पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल पढ़ा है, वो पढ़ने के बाद स्ट्रेटेजी बनती है. सर आप स्ट्रेटेजी को कैसे दोष दे सकते हो? आपको पहले क्या चेंज करना पड़ेगा? स्ट्रक्चर. और अगर स्ट्रक्चर बदल दिया ना तो अपने आप स्ट्रेटेजी पास हो जाए. क्लियर हो रहा है? पक्का. तो अपन को क्या चेंज करना है? स्ट्रक्चर. स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करनी. तो हमेशा स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है. अगर आपको लग रहा है ऑर्गेनाइजेशन में लॉस हो रहा है तो आपको क्या चेंज करना पड़ेगा? स्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजी. चलो पेज पलटोगे तो तुम्हें देखो क्या मिलेगा. क्या मिला? सॉरी, उसके ऊपर हमारा टॉपिक वो कटवाया क्यों था? पिछले पेज का बिल्कुल सेम टू सेम. तो मैंने टॉपिक समझाए थे, कोशिश करना दो दो बार ना पढ़ो, इसलिए मैंने उसको कटवा दिया. और कुछ भी चेंजिंग नहीं है. पता नहीं क्यों दे दिया, मैं भी आज तक कंफ्यूज हूँ. चलो देखो, कुछ है नहीं. आईटी टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन में है सर. पता है आजकल क्या है, अगर मैं बात करूं इस टॉपिक की, आईटी एंड स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन, इसमें मैं बोलूंगा सर ऑर्गेनाइजेशन हैज टू कंसिडर ऑल द नेसेसरी चेंजेस इन टेक्नोलॉजी. क्या बोलते हैं? नहीं, स्पेलिंग गलत है, ये सही. ऑर्गेनाइजेशन हैज टू कंसीडर ऑल द नेसेसरी चेंजेस इन टेक्नोलॉजी इन इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजी. तो सर ऑर्गेनाइजेशन में या टेक्नोलॉजी में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं वो सभी आपको कंसिडर करने पड़ेंगे कोई भी स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने से पहले. सर
सर कॉस्ट इफेक्टिव बनने के लिए, कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए हमने सोचा कि मशीनों से काम ना करवाते हुए लेबर से काम करवाएं। सर एक्चुअल में देखा तो दूसरी कंपनी मशीन से काम करवा रही है और हम साल भर में हम लोग 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और पता है एक पीस कितने का है? 10 रुपए का कॉस्ट ऐसी पे, सॉरी कॉस्ट। और सर जो दूसरी कंपनी ना वो साल भर में प्रोड्यूस कर रही है 2 लाख यूनिट्स और उसकी कॉस्ट पता है कितनी है? 15 रुपए। विच इज बेटर सर? सॉरी 20,000 यूनिट या 2 लाख यूनिट? 2 लाख सर। मार्केट में मेरी 20,000 यूनिट बिकेंगी जिसका कॉस्ट 10 रुपए, 50 रुपए में बेचूंगा तो कितने रुपए कमाऊंगा? एक प्रोडक्ट पे 40 रुपए, 40 × 20,000, 2 लाख, 8 लाख का प्रॉफिट। लेकिन अगर मैं 2 लाख बनाऊंगा और 10 रुपए भी कमाऊंगा ना तो सर 20 लाख होता है। तो इट इज बेटर कि आप कॉस्ट इफेक्टिव ना हो इस सिचुएशन में, क्योंकि आप प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहे, यूनिट्स ही प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। आपको कॉस्ट इफेक्टिव के साथ साथ इकोनॉमिक्स पे भी तो काम करना है ना बॉस। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी टेक्नोलॉजी बदलनी पड़ेगी, ठीक है? तो यहाँ पे इतना लिख लिया, अब और भी पॉइंट्स लिखो। एडवांटेज ऑफ आईटी, एडवांटेज की स्पेलिंग गलत लिखी है, तुम लोग मत लिखना वैसे। सर सबसे पहला हमको कॉस्ट इफेक्टिव बनाती है सर। कैसे? सर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जब से आईटी सेक्टर आया है ना सर, तो कोई भी इंसान ना फ्री फोकट नहीं बैठ सकता, कैमरे लगे हुए हैं। सर आने का टाइम आपको अपना थंब प्रेस करना पड़ता है, जाने के टाइम पे थंब प्रेस करना पड़ता है, मतलब आप इन कब हुए और आप आउट कब हुए उसका पता रहता है। ऑर्गेनाइजेशन में जो मशीन्स है कितने घंटे चल रही है, उनका टाइम रिकॉर्ड हो रहा है, कितनी हॉर्स पावर वो लोग ले रही है, कितना यूज हो रहा है वो रिकॉर्ड रहता है, मतलब सर ट्रैकिंग रिकॉर्ड है। कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना मार्केट में बिक गया, इसका रिकॉर्ड है। अच्छा कौन सी यूनिट किस कस्टमर को गई, बैच नंबर से वो भी पता लग जाएगा, बिल नंबर से। राइट नाउ जीएसटी इतना खतरनाक चीज हो रही है कि किसके पास वो गुड्स गए, कौन से गुड्स सेकेंड हैंड है, कौन से नए हैं, नकली बिल, फर्जी बिल, कुछ नहीं कर सकते आप। क्यों? जस्ट ड्यू टू आईटी आपको कॉस्ट इफेक्टिव बना रहा है। नेक्स्ट, हेल्प टू रिस्पॉन्ड इन डायनामिक एनवायरमेंट। सर बदलते माहौल में कोई आपकी मदद नहीं करेगा, सिर्फ आईटी करेगा। सर लॉकडाउन की वजह से क्लासेस बंद हो गई तो आईटी ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, ऑनलाइन क्लासेस तो है, लोग स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते आजकल, आईटी के थ्रू भाई ऑनलाइन गेम्स हो रहे हैं। मतलब पता कैसे ऑनलाइन गेम्स खेले जा रहे हैं और उसमें कंपटीशन हो रहा है, लोग जीत भी रहे हैं। हमारे कॉलेज में हुआ था, पता नहीं क्या हुआ था, मैंने अटेंड नहीं करा था, मैं आज तक कंफ्यूज हूँ, पता नहीं क्या ऑनलाइन गेम हुआ। अब मैसेज आया ऑनलाइन गेम विनर्स, तो भाई पबजी तो खिलाएंगे नहीं, कोई लोकलाइट गेम ही खिलाएंगे, पता नहीं क्या खिला दिया, किसको विनर बना दिया, होगा कोई गेम स्पोर्ट्स से रिलेटेड गेम ही था यार, मुझे आज तक नहीं पता, लेकिन हो गया। इसके बाद इजी टू मॉनिटर प्रोग्रेस, सबसे अच्छा पॉइंट है सर, प्रोग्रेस पता चल जाती है। आप अगर बैलेंस शीट्स तो है ना अपने किताबों में लिखते ना एक एक एंट्री, तो आप एक एक एंट्री ढूंढते। आज टैली पे काम करते हो, 10 सेकंड में एक एंट्री का पता लग जाता है, 10 सेकंड में प्रॉफिट एंड लॉस का पता लग जाता है। क्यों? आप एंट्री चढ़ाते जाओ पीएनएल में प्रॉफिट अपने आप ऐड होता जाएगा, आप सेल्स डालते जाओ परचेस डालते जाओ प्रॉफिट ऐड होता जाएगा। लेकिन मैनुअली करते थे हाथों से, तब क्या होता था, एक एक एंट्री करो जनरल, खुद ही लेजर बनाओ, खुद ही ना ट्रायल बैलेंस बनाओ, खुद बैलेंस शीट। आज आपको सिर्फ जनरल एंट्री करनी है और रिसिप्ट और पेमेंट चलानी है, सब अपने आप हो जाएगा, ये ऑटोमेशन का फायदा है। यूज ऑफ कंसिस्टेंट सॉफ्टवेयर, आजकल ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं सर, एक जैसे सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं जिससे कोई कंफ्लिक्ट नहीं होते, नहीं तो भाई कभी डबल एंट्री यूज कर ली, कभी सिंगल यूज कर लिया। आज आपको टैली यूज करना है अकाउंटिंग के लिए, दैट्स इट। ईआरपी यूज करना है आपको ऑर्गेनाइजेशन की सब स्ट्रेटेजीज को ऑटोमेटेड करने के लिए, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ईआरपी होती है,
जिससे पूरे ऑर्गेनाइजेशन की आधी से ज्यादा एक्टिविटी क्या हो जाती है, ऑटोमेटेड हो जाती है। तो ये सब एडवांटेजेस हैं आपके आईटी के। मतलब सर अगर हम स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करते टाइम थोड़ा सा किसके बारे में सोच लें, आईटी के बारे में सोच लें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में सोच लें, तो हम कॉस्ट इफेक्टिव भी हो सकते हैं, बदलते माहौल को जवाब भी दे सकते हैं। हर प्रोग्रेस को हम, हमारे कितना प्रोग्रेस हुई, कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस, कितना प्रोडक्शन बढ़ा, कितना घटा, इसके बारे में पता लगा सकते हैं। सेल्स बढ़ी की घटी। लास्ट, कंसिस्टेंट पॉलिसी यूज करेंगे, कंसिस्टेंट सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, तो हमें काम करने में थोड़ी सी आसानी। क्लियर हुआ? दो सेकंड। हेलो, जी बोलो। टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल कुछ